Let's start our activity with the help of magnetic compass and a bar magnet. Before the start this activity, first we understand about this magnetic compass. First of all, as we know that our earth has two poles. First is north pole and south pole. ओके तो हमारे अर्थ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो होता है यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है. ठीक है, डायरेक्शन के, और ये डायरेक्शन का साउथ पोल है. पर अर्थ के जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पर अर्थ की जो है अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल है. यहाँ पर ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जहाँ पर अर्थ के साउथ डायरेक्शन है वहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल है. ठीक है, तो जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है, अगर ये बार मैग्नेट है मेरे पास, इसको मैं फ्रीली सस्पेंड करता हूँ, तो इसका जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल होगा बार मैग्नेट का और साउथ पोल होगा जो बार मैग्नेट का. ठीक है, तो इसका जो ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, ये अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ घूम जाएगा. ठीक है, और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक साउथ है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है. तो हम जानते हैं कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अभी हम इसको करके भी दिखा देंगे. ये दो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डॉट लगा हुआ है, ये है नॉर्थ पोल, और जहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ ये है मेरे पास साउथ पोल. तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फ्रीली मैं थ्रेड के साथ हैंग करता हूँ इसको. मैंने फ्रीली थ्रेड के साथ हैंग कर दिया. अब देखते हैं कि क्या होता है.